आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारे रीसेंट साड़ी और दुपट्टा रीयूज प्रोजेक्ट्स। अब क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, आपको बैक टू बैक नए आउटफिट्स की जरूरत पड़ने वाली है, सो दैट आप फैब्रिक का खर्चा बचा सके, आपके एग्जिस्टिंग जो साड़ीज हैं, दुपट्टाज हैं, उनमें से आप किन तरीके के आउटफिट्स बना सकते हैं, उसके आइडियाज आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको पसंद आए तो आज से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं रुपिंदर और ये इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहला जो दुपट्टा है ये हमारे क्लाइंट ने हैदराबाद से भेजा है। इसके साथ उनके बाकी फैब्रिक्स भी आए थे लेकिन वो फैब्रिक पीसेस थे, यही सिर्फ एक दुपट्टा था उनका जिसको वो रीयूज करके कुर्ता बनाना चाहते हैं। सो बाकी के जो भी आउटफिट्स हैं वो हम अपनी किसी फ्यूचर वीडियो में शेयर करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे कि इनके दुपट्टा में से हमने क्या बनाया। सो इस तरीके का कुर्ता हमने उनके दुपट्टा में से बनाया है। हमने उनका जो दुपट्टा है उसे कुर्ता के सेंटर पैनल की तरह यूज किया है और साइड्स पे जो भी प्लेन फैब्रिक यूज किया है वो हमने सेपरेट बाय किया। इस कुर्ता का एक और इंटरेस्टिंग डिजाइन ये है कि एक तो ये ए लाइन कुर्ता है लेकिन स्ट्रेट कुर्ता की शेप यहाँ पे हमने दी है बॉर्डर्स की मदद से। हमने इसके बॉर्डर्स को इस तरीके से अटैच किया है कि वो दिखने में स्ट्रेट कुर्ता है लेकिन एक्चुअली वो एक ए लाइन कुर्ता है। आप देख सकते हो जो सेंटर पैनल है इसका वो इंटायरली नीचे तक नहीं आया कुर्ता के, थोड़ा ऊपर ही हमने उसकी लेंथ को खत्म कर दिया। एंड उसकी कुछ दूरी पे ही हमने उसी दुपट्टा में से ग्रीन बॉर्डर निकाल के ये स्ट्रेट कुर्ता का इफेक्ट दिया है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये भी लग सकता है कि ये डबल लेयर्ड कुर्ता है, कि ऊपर स्ट्रेट कुर्ता है, पहनने के बाद ऐसा लग सकता है, और नीचे इसके अंदर ए लाइन स्लिप है। इसकी स्लीव्स को बहुत बेसिक और बहुत सिंपल रखा है हमने। इसका जो डिजाइन है ये फ्रंट और बैक में सेम है। इस कुर्ता में हमने साइड स्लिट्स रखी हैं, आप चाहें तो इसे साइड से क्लोज भी रख सकते हैं। सो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ पे कुर्ता का। आप चाहें, यहाँ पे हमने दुपट्टा को रीयूज किया है, अगर आपको पैटर्न पसंद है तो आप किसी भी सेपरेट डिफरेंट फैब्रिक से भी इस तरीके का डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट ये दुपट्टा में से हमने एक और कुर्ता बनाया है जो कि हमारे लोकल क्लाइंट ने हमें दिया है। इसकी नेकलाइन को पास से देखें तो ये इस तरीके की छोटी नेकलाइन है लेकिन उसके फ्रंट में हमने कर्व्ड वी का इफेक्ट दिया है। दुपट्टा के जो बॉर्डर्स थे और उसके नीचे जो टैसल्स थे, एज इट इज हमने उसे एज अ कुर्ता बॉर्डर और कुर्ता के नीचे उन टैसल्स को यूज किया है। अगेन, अगर आपके दुपट्टा के नीचे फ्रिंज है, टैसल्स हैं, उनका आप इस तरीके से कुर्ताज के फ्लेयर पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्लाइंट ने हमें अपनी साड़ी भेजी और उसके साथ अपना एग्जिस्टिंग सैम्पल कुर्ता सेट भी भेजा है सो दैट हम साइज के लिए रेफरेंस ले सकें। तो उनकी साड़ी कुछ इस तरीके से है, सिल्क साड़ी है जिसमें से उन्हें कुर्ता सेट चाहिए था अपने लिए। सो सबसे पहले कुर्ता कुछ इस तरीके से बनाया हमने। बेसिक राउंड नेक लाइन है जिसपे बॉर्डर का इस्तेमाल किया है हमने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। सिल्क साड़ीज की बेस्ट बात यह है कि आपको इस तरीके के बॉर्डर साड़ी के साथ ही मिल जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ट्रिम्स की जरूरत नहीं है। अगेन, उसके जो बॉर्डर्स हैं उसको हमने इस तरीके से डबल कर दिया और फ्लेयर पे यूज किया है तो आप एक हेवी कुर्ता का लुक इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बॉर्डर्स को ही अटैच करके हमने उनकी स्लीव्स को क्रिएट किया है। इसके साथ हमने कोटा डोरिया का दुपट्टा पेयर किया है सेम कलर में। नेक्स्ट हमारे क्लाइंट ने गोवा से हमें अपनी एक और साड़ी भेजी सो दैट हम उसमें से उनके लिए कुर्ता सेट बना सके और उनकी डॉटर के लिए एक ड्रेस बनाई जा सके। सो उन्होंने यहाँ पे अपना और अपनी डॉटर का सैंपल साइज भी भेजा है। इस तरीके का कलीदार हमने उनकी साड़ी में से उनके लिए क्रिएट किया है। इसकी नेकलाइन एक्सटेंडेड नेकलाइन है एंड सिंपल गोटा वर्क उनकी नेकलाइन पे हमने उसे हाईलाइट करने के लिए दिया है। और ये जो भी कलीदार है बिना योक के है, इसकी जो कलीज हैं वो शोल्डर से ही स्टार्ट हो जाती हैं। एंड आप देख सकते हैं कि उनका जो साड़ी का बॉर्डर था वो कुछ इस तरीके से उनके फ्लेयर पे आया है। थोड़ी सी लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है
सो अगर आपकी कंप्लीट लेंथ नहीं निकल पा रही साड़ी में से, तो आप इस तरीके के बॉर्डर्स भी नीचे अटैच कर सकते हैं। स्लीव्स को भी बहुत सिंपल और बहुत बेसिक रखा गया है। इस साड़ी का जो भी गोल्डन फैब्रिक था उसमें से हमने इनके डॉटर की ड्रेस को बनाया है। नेक्स्ट हमारे हरियाणा से क्लाइंट हैं जिनके लिए हमने ये शरारा सूट बनाया है। ये उनकी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी थी कंप्लीट, तो उनका जो पल्लू है जिसपे मोटिव्स काफी ज्यादा थे और काफी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी थी, उसमें से हमने उनका कुर्ता बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुर्ता के शोल्डर में हमने स्ट्रैप होल्डर्स बनाए हैं। और हम अपने हर गार्मेंट में ऐसा करते हैं कि अंदर की साइड एक्स्ट्रा सीम मार्जिन्स रहते हैं। ये सीम मार्जिन्स काफी हेल्पफुल होते हैं। हम ज्यादातर हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, तो क्योंकि साइज हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट को जो साइज डिलीवर होता है वो टाइट भी हो सकता है। सो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये अलाउ करते हैं कि वो अपने वहां पे अपने एरिया में लोकली उसे ऑल्टर करवा सके अपने साइज के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा नहीं भी है तब भी इन फ्यूचर ये एक्स्ट्रा मार्जिन काफी हेल्प करते हैं अगर बाय चांस आपका साइज इंक्रीज होता है तो। इस कुर्ता की रॉन्ग साइड पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने शिमर फैब्रिक से फिनिशिंग्स दी हैं। इसके साथ सेम साड़ी में से हमने उनका शरारा क्रिएट किया है। शरारा के बॉटम में बॉर्डर इफेक्ट देने के लिए हमने थिन गोटा लाइंस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऑलरेडी काफी एम्ब्रॉयडर्ड हेविली एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है तो आपको हैवी बॉर्डर्स की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से शरारा की बेल्ट है, फ्रंट से फ्लैट है, बैक में इलास्टिक है। और इसके साथ हमने इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा पैरअप किया है। अगेन इसके बॉर्डर्स पे हमने थिन गोटा लाइंस को ऐड किया, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है। सो ये थे हमारे कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स। आई होप आपको काफी मदद करेंगे आपके फेस्टिवल आउटफिट्स को डिजाइन करने में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज याद से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आप सिमिलर ऑर्डर्स हमारे पास प्लेस करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। हम उसके अलावा और कहीं आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर ईमेल मत कीजिए, फेसबुक पे मत रीच कीजिए हमें। आप प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। थैंक यू सो मच।